जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है मोदी सरकार ने फिर से दीपावली का तोहफा जारी किया है, 4,000 रुपये की 19वीं किस्त। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरे खाते में जो है 4,000 रुपये नहीं आई है, सिर्फ 5 अक्टूबर को जो 2,000 रुपये पीएम मोदी ने 18वीं किस्त जारी की थी सिर्फ उसी का राशि आई है, लेकिन 4,000 रुपये नहीं आया है और खाद के लिए भी जो है मेरे खाते में 5,000 रुपये की राशि नहीं आया है। देखिए यहां पे जिन किसानों को मिल चुका है 4,000 रुपए, उन किसानों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन किसानों को अभी तक नहीं आया है वो किसान कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। आज इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी वीडियो में आपको ये राशि मिलने वाला है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। कुछ ही देर में पीएम मोदी लाइव संबोधन भी करने वाले हैं जिन किसानों के खाते में अभी तक 4,000 रुपए की एक और की जो दीपावली का तोहफा, दीपावली का जो बोनस है जो पीएम मोदी ने जारी किया है, जिन किसानों को नहीं मिला है उन किसानों के लिए ही स्पेशली पीएम मोदी थोड़ी देर में लाइव संवाद करने वाले हैं और उसमें बताएंगे कि आज जिन किसानों को अभी तक नहीं मिला है उनको क्या करना होगा। और थोड़ी देर में ये लाइव संवाद होने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मोदी सरकार 5 अक्टूबर को 2,000 रुपये की राशि जारी की और वो 2,000 रुपये लगभग सभी किसानों के बैंक खाते में आ चुका है। और उसके बाद जो है पीएम मोदी ने कहा कि ये तो हमने जो 4 महीने पे पैसा जारी करते हैं ये तो मिल ही रहा है, लेकिन अब जो है दीपावली का बोनस जो गिफ्ट है वो भी जारी करेंगे क्योंकि ये तोहफा के रूप में जारी किया जाता है। कहीं पे भी आप नौकरी करते हैं तो आपको जो है दीपावली के टाइम जो है सैलरी तो मिलता ही है, लेकिन अलग से बोनस भी मिलता है। तो इसी प्रकार से पीएम मोदी ने जो है 5 अक्टूबर को 2,000 रुपये की 18वीं किस्त जारी की और उसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम दीपावली का बोनस जो है, दीपावली का जो गिफ्ट है वो भी जारी करेंगे और वो राशि जो है इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। पूरी प्रक्रिया जिन जिन किसानों को ये राशि मिला है उनका भी लाइव संवाद सुनाने वाले हैं कि कैसे मिला है और कैसे क्या है, सारी प्रक्रिया जो है थोड़ी देर में इसी वीडियो में थोड़ी देर में डायरेक्ट लाइव करने वाले हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन किसानों के बैंक खाते में अभी तक 4,000 रुपए की 19वीं किस्त नहीं आई है उन किसानों को कब आएगा और कैसे आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। किसान का भी लाइव सुनाने वाले हैं और पीएम मोदी का भी लाइव भाषण सुनाने वाले हैं। कुछ ही देर में ये डायरेक्ट लाइव होने वाला है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर 4 महीने पे 2,000 रुपए की किस्त जारी होती है और अब तक जो है 18वीं किस्त मिल चुकी है और इसके बाद जो है पीएम मोदी ने दीपावली का गिफ्ट के तौर पे जो है 4,000 रुपए भी भेजे हैं, खाद के लिए 5,000 रुपए अलग से दी गई है। अगर आप किसान हैं और आपके बैंक खाते में अगर खाद के लिए 5,000 रुपया नहीं मिल रहा है तो अब आपको कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि जिन किसानों को खाद के लिए 5,000 रुपया नहीं मिल रहा था उनको आवेदन करना होता था, लेकिन इस बार पीएम मोदी जो है आवेदन हटा दिया है। जिन किसानों को पीएम किसान का लाभ मिल रहा है उन किसानों को खाद के लिए भी 5,000 रुपये अलग से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि जब पीएम किसान की शुरुआत हुई तो उसमें 3-4 नियम लागू किए गए जिसमें बताया गया कि किसानों को आधार को बैंक से अकाउंट लिंक होना जरूरी है, किसानों को ईकेवाईसी करवाना जरूरी है, किसानों को भूमि का सत्यापन करवाना जरूरी है। तो कुछ जो है नियम लागू किए गए और उसी प्रकार किसानों ने सारे काम किए, सारे दस्तावेज अपडेट किए, आधार को बैंक अकाउंट से लिंक किए, ईकेवाईसी कराए, भूमि का सत्यापन कराए और कोई दिक्कत नहीं हुआ, राशि मिल रहा था। लेकिन इस बार जो है जब खाद के लिए और 4,000 रुपए की राशि जारी हुई तो उसमें भी एक छोटा सा नियम लागू किया गया, लेकिन अब जो है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब जो है डायरेक्ट लाभ मिलेगा। लेकिन किन किसानों को मिलेगा इसके बारे में भी लाइव बताया गया है। तो चलिए अब हम आपको डायरेक्ट लाइव कर रहे हैं किन किन किसानों के बैंक खाते में यह राशि आने वाली है और इसके लिए किसानों को क्या करना होगा, सारी डिटेल चलिए लाइव कर रहे हैं। पहले हम आपको जिन किसानों के बैंक खाते में ये राशि आई है वो उनके मुंह से सुनाने वाले हैं, उसके बाद डायरेक्ट पीएम मोदी का लाइव भाषण भी सुनाने वाले हैं। तो चलिए पहले जिन किसानों के बैंक खाते में जो दीपावली का गिफ्ट आया है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद जो है पीएम मोदी का लाइव संवाद भी सुनाने वाले हैं। तो चलिए हम लाइव कर रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, पिछले 20 सालों से मैं खेती करते आ रहा हूँ और मेरे खाते में अभी 2,000
₹6,000 की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को लास्ट पेमेंट मिला था, और उसके बाद जो पीएम मोदी ने वादे किए थे, जो दीपावली का उन्होंने घोषणा किया था कि किसानों को दीपावली पे तोहफा दिया जाएगा, वो तोहफा मेरे खाते में ₹4,000 फिर से आए हैं और खाद के लिए ₹5,000 भी मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जो ये राशि आई है, इसके लिए मैं पीएम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और ऐसा ही होते रहे। कि आपने सुना कि जिन किसानों के बैंक खाते में जो दीपावली का गिफ्ट आया है, वो किसान क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं 20 साल से खेती कर रहा हूं, मैं एक किसान हूं और मेरे खाते में 5 अक्टूबर को ₹2,000 की 18वीं किस्त मिली थी और 19वीं किस्त के लिए जो है फिर से किसानों मेरे खाते में ₹4,000 पीएम मोदी ने दीपावली का गिफ्ट भेजा है, क्लियरली बोल रहे हैं। अब चलिए हम आपको डायरेक्ट पीएम मोदी का लाइव संवाद सुना रहे हैं जिसमें पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं और कैसे मिल रहा है लाभ किसानों को। तो चलिए डायरेक्ट लाइव कर रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा अगर आपको लाभ लेना है तो, क्योंकि सभी किसानों को ये लाभ मिलना शुरू भी हो चुका है। तो चलिए पीएम मोदी का लाइव संवाद सुना रहे हैं। खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में इसकी राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए, कि सुना कि पीएम मोदी ने क्लियरली कहा है कि खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए अब कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले पीएम मोदी सिर्फ ₹2,000 ही किसानों को दिए जा रहे थे, लेकिन किसानों ने कंप्लेन किया कि सर आप जो ₹2,000 दे रहे हैं उससे खेती में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है आप खाद के लिए, ये जो है अब पीएम मोदी ने हर एक चीज के लिए जो है अब किसानों को राशि जारी कर रही है, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, हर एक चीज के लिए, खाद के लिए ₹5,000, दवा खरीदने के लिए ₹2,000, बिजली का बिल भरने के लिए ₹2,000, टोटल ₹9,000 की राशि जो है सीधे किसानों के बैंक खाते में आया है। और वो राशि जो है पीएम मोदी ने क्लियरली है कि जिन किसानों को आज नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में यह राशि आपके बैंक खाते में जारी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है दोस्तों, और त्योहार में होता क्या है कि जो छुट्टी होता है होलीडे की तरफ जो है सारे बैंक दुकान, जो बैंक है, जो सरकारी दफ्तर है, वो बंद होता है, जिस वजह से काम नहीं होता, इस वजह से जो है यह राशि नहीं आ पाता। तो जैसे ही खुलेगा तुरंत आपके बैंक खाते में यह राशि आ जाएगी।